नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। दोस्तों सीएचओ हो गए हैं नियमित। दोस्तों नियमित सीएचओ हो चुके हैं, परमानेंट सीएचओ क्या कैडर बन चुका है। दोस्तों किस चीज़ के अंदर कैडर बना है और लेटर जारी हो चुका है, अभी की लेटेस्ट खबर है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और पूरा लेटर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों न्यूज़ आखिर कहाँ से है और क्या खबर है, पूरा वीडियो मैं आपको प्रूफ के साथ लेकर आया हूं। दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत शानदार खबर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दोस्तों सालों का इंतजार, चार चार पाँच पाँच साल से जो लोग सीएचओ की जॉब पे लगे हुए थे उन लोगों के लिए इतनी बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों कि सीएचओ नियमित हो चुके हैं। दोस्तों यानी कि सीएचओ का कैडर भी बन चुका है। कैडर किस में लिया गया है सीएचओ को, क्या सैलरी रखी गई है, कहां से खबर आई है, दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ज़रूर से अगर आप सीएचओ हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। यानी कि हर स्टेट से नियमितीकरण का एक लेटर जारी होने वाला है और जारी हो चुका है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, अब मैं आपको पीडीएफ की तरफ लेके चलता हूँ। अगर आप लोग इसी प्रकार की न्यूज़ या फिर इसी प्रकार का पीडीएफ देखना चाहते हैं तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। वहाँ आप ज़रूर जाइएगा, आप लोग ज़रूर मेरे से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा सीएचओ के बारे में, या स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, डीएसएसपी, आने वाली कोई भी रिक्वायरमेंट हो, सारी एक अपडेट मेरे ग्रुप में मिलती है। तो दोस्तों चलते हैं पीडीएफ की तरफ कि पीडीएफ क्या बोलता है। दोस्तों खबर आई है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर से, सेक्रेटेड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑर्डर बाय द गवर्नर मणिपुर, 8 मार्च 2022 इम्फाल के अंदर ये लेटर जारी हुआ था। उसके बाद में जो ये क्रिएट किए गई है अपनी पोस्ट, इसके अंदर कैडर जारी किया गया है। नेमो पोस्ट स्टाफ नर्स रखा गया है, 241 प्लस 45 286 टोटल जो सीएचओस हैं उनको स्टाफ नर्स कैडर के अंदर परमानेंट कर दिया गया है। दोस्तों देखिए सीरियल नंबर दिया गया है फेस नंबर 12 के अंदर, नेम ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ एब्जॉर्ब और रेगुलर बेसिस, तो इनको एब्जॉर्ब किया गया है रेगुलर बेसिस के अंदर। डेजिग्नेशन रखा गया है इनका स्टाफ नर्स पोस्टेड टू, आगे पीएचसी का नाम लिखा हुआ है रिमार्क, मतलब ये लोग सीएचओ की तरीके से काम कर रहे थे, वहाँ सीएचओ के पोस्ट पे काम कर रहे थे। ये टोटल लिस्ट कितने कैंडिडेट्स की है दोस्तों, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, हम लोग बताने वाले हैं। 286 लोगों की लिस्ट है जिसके अंदर स्टाफ नर्स कैडर के अंदर वर्किंग एज सीएचओ से उनको परमानेंट कर दिया गया है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर मणिपुर से है, यानी कि दोस्तों मणिपुर के अंदर अगर 4600 ग्रेड पे के साथ अगर इन लोगों को परमानेंट किया गया है तो यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर सीएचओ का कैडर स्टाफ नर्स के अंदर लेकर बहुत जल्दी खुशखबरी आ जाएगी हम लोगों की। हर एक स्टेट के अंदर खुशखबरी आएगी कि सब लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा एज ए सीएचओ, सभी स्टाफ नर्स कैडर के अंदर सभी लोगों को परमानेंट कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक करना बिल्कुल ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि आप लोगों को ऐसी अपडेट सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।